स्वागत है आपका मंथली करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं प्रश्न। यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ए. एंटोनियो कोस्टा, बी. इमैनुएल मैक्रोन, सी. पेड्रो सांचेज, डी. एंजेला मर्केल। आंसर ए. एंटोनियो कोस्टा। एक्सप्लेनेशन: पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा को 28 जून 2024 को ब्रसल्स, बेल्जियम में यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। वह 1 दिसंबर 2024 को चार्ल्स मिशेल का स्थान लेंगे। अगला प्रश्न। पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ए. सलमान रुश्दी, बी. अरुंधति रॉय, सी. झुम्पा लाहिरी, डी. किरण देसाई। आंसर बी. अरुंधति रॉय। एक्सप्लेनेशन: बुकर पुरस्कार विजेता अरुंधति रॉय ने 2024 का पेन पिंटर पुरस्कार जीता। अरुंधति रॉय को उनके अधिक और अटल लेखन के लिए 2024 का पेन पिंटर साहित्यिक पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्होंने अपने पहले उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार जीता था। अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने कहां पर मंदिरों का संग्रहालय बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? ए. वाराणसी, बी. गोरखपुर, सी. अयोध्या, डी. इलाहाबाद। आंसर सी. अयोध्या। एक्सप्लेनेशन: उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में 650 करोड़ रुपए की लागत से मंदिरों का संग्रहालय बनाने के लिए टाटा संस के प्रस्ताव को मंजूरी दी। पर्यटन विभाग 90 साल के पट्टे पर 1 रुपए की टोकन राशि पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालय के लिए भूमि उपलब्ध कराएगा। ये संग्रहालय भारत के प्रसिद्ध मंदिरों के इतिहास और वास्तुकला को प्रदर्शित करेगा। अगला प्रश्न। भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. विनय मोहन क्वात्रा, बी. रुचिरा कम्बोज, सी. एस जयशंकर, डी. विक्रम मिश्री। आंसर डी. विक्रम मिश्री। एक्सप्लेनेशन: भारत सरकार ने विक्रम मिश्री को नया विदेश सचिव नियुक्त किया। 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी मिश्री 15 जुलाई 2024 को विनय मोहन क्वात्रा का स्थान लेंगे। वह चीन मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। मिश्री विदेश सचिव बनने से पहले डिप्टी एनएसए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। अगला प्रश्न। भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीता। इस टीम के कप्तान कौन थे? ए. रोहित शर्मा, बी. विराट कोहली, सी. हार्दिक पांड्या, डी. रविंद्र जडेजा। आंसर ए. रोहित शर्मा। एक्सप्लेनेशन: भारत ने रोहित शर्मा की कप्तानी में टी20 विश्व कप 2024 का खिताब जीत लिया है। बारबाडोस में खेले गए फाइनल में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को रोमांचक मुकाबले में 7 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 176 रन बनाए थे। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 169 रन बना सकी। इस जीत के साथ भारत ने 11 साल के आईसीसी ट्रॉफी के सूखे को खत्म कर दिया। भारतीय क्रिकेट टीम को टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद बीसीसीआई के द्वारा कितनी प्राइज मनी देने की घोषणा की गई है? ए. 100 करोड़, बी. 125 करोड़, सी. 150 करोड़, डी. 200 करोड़। आंसर बी. 125 करोड़। एक्सप्लेनेशन: 17 साल बाद टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम पर बीसीसीआई ने पैसों की बारिश कर दी है। साउथ अफ्रीका को फाइनल में हराने वाली भारतीय टीम को 125 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि मिलेगी। बोर्ड के सचिव जय शाह ने 30 जून को इसकी घोषणा की। इससे पहले धोनी की कप्तानी में भारत ने जब 2007 में दक्षिण अफ्रीका में पहला टी20 विश्व कप जीता था और फिर उन्हीं की कप्तानी में 2011 का वनडे वर्ल्ड चैंपियन बना था, तब हर खिलाड़ी को 2 करोड़ रुपए कैश प्राइज दिए थे। अगला प्रश्न। हत्या की धारा 302 के पतले अब नए आपराधिक कानून में कौन सी धारा लगेंगे? ए. धारा 63, बी. धारा 101, सी. धारा 109, डी. धारा 189। आंसर बी. धारा 101। एक्सप्लेनेशन: 1 जुलाई से देश में कानूनी प्रणाली में बड़ा बदलाव लागू हो गया। 3 मुख्य आपराधिक कानून भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 लागू नहीं रहेंगे। इनकी जगह पर भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू हो गए हैं। नए कानून में धारा 375 और 376 की जगह बलात्कार की धारा 63 होगी, सामूहिक बलात्कार की धारा 70 होगी, हत्या के लिए धारा 302 की जगह धारा 101 होगी। भारतीय न्याय संहिता में 21 नए अपराधों को जोड़ा गया है, जिसमें एक नया अपराध मॉब लिंचिंग है। अगला प्रश्न। हाल ही में खबरों में रहा मिनामी टोरिशिमा द्वीप किस देश से संबंधित है? ए. दक्षिण कोरिया, बी. चीन, सी. फ्रांस, डी. जापान। आंसर
डी जापान। एक्सप्लेनेशन, शोधकर्ताओं ने हाल ही में मिनामी टोरिशिमा द्वीप के समुद्र तल पर इलेक्ट्रिक कार बैटरी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लगभग 230 मिलियन मीट्रिक टन खनिजों का पता लगाया है। मिनामी टोरिशिमा द्वीप, जिसे मार्कस द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक जापानी द्वीप है। अगला हाल ही में कौन 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित हुई है? ए मेघना अहलावत, बी डॉक्टर उषा ठाकुर, सी नशीरा शर्मा, डी ममता कालिया। आंसर बी डॉक्टर उषा ठाकुर। एक्सप्लेनेशन, उषा ठाकुर को नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित हिंदी संवाद कार्यक्रम में हिंदी साहित्य के विकास में उनके योगदान के लिए 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्होंने हिंदी और नेपाली में 40 से अधिक साहित्य का अनुवाद किया है और हिंदी भाषा को मजबूत किया है। अगला प्रश्न, T20 अंतर्राष्ट्रीय में सर्वाधिक शतकों का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? ए विराट कोहली, बी डेविड वॉर्नर, सी रोहित शर्मा, डी क्रिस गेल। आंसर सी रोहित शर्मा। एक्सप्लेनेशन, ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल और भारत के रोहित शर्मा T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड साझा करते हैं। रोहित शर्मा का T20 इंटरनेशनल करियर रिकॉर्ड 159 मैचों में 4231 रन 5 शतकों के साथ प्रारूप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी। 4 जुलाई 2024 को संसदीय चुनाव के बाद ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है? ए जेरेमी कॉर्बिन, बी कीर स्टार्मर, सी बोरिस जॉनसन, डी ऋषि सुनक। आंसर बी कीर स्टार्मर। एक्सप्लेनेशन, ब्रिटेन में शुक्रवार 5 जुलाई को सत्ता बदल गई। सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी 14 साल बाद लेबर पार्टी से चुनाव हार गई। इसके कुछ घंटे बाद भारतवंशी ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेबर पार्टी के 61 साल के कीर स्टार्मर देश के 58वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। पार्टी ने कुल 650 सीटों में से 412 पर जीत दर्ज की है। उधर कंजर्वेटिव 120 सीटों पर सिमट गई। ये कंजर्वेटिव पार्टी की पिछले 200 सालों में सबसे बड़ी हार है। अगला प्रश्न, 4 जुलाई 2024 को झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली? ए रघुबर दास, बी चंपई सोरेन, सी सी पी राधाकृष्णन, डी हेमंत सोरेन। आंसर डी हेमंत सोरेन। एक्सप्लेनेशन, झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM नेता हेमंत सोरेन ने 4 जुलाई 2024 को तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्य की राजधानी रांची में स्थित राजभवन में एक समारोह में राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने उन्हें झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने से पहले हेमंत सोरेन ने 31 जनवरी 2024 को झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। झारखंड उच्च न्यायालय ने 28 जून 2024 को हेमंत सोरेन को जमानत दे दी थी, जिसके बाद उन्हें फिर से मुख्यमंत्री चुना गया। अगला प्रश्न, आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को L1 बिंदु के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? ए 92 दिन, बी 178 दिन, सी 365 दिन, डी 730 दिन। आंसर बी 178 दिन। एक्सप्लेनेशन, आदित्य L1 मिशन एक भारतीय सौर वेधशाला है जो लैग्रेंजियन बिंदु L1 पर स्थित है। इसे 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। अंतरिक्ष यान को L1 बिंदु के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 178 दिन लगते हैं। अगला प्रश्न, किस देश ने जालसाजी से निपटने के लिए सबसे पहले अपनी मुद्रा पर त्रिआयामी होलोग्राम तकनीक शामिल की? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी कनाडा, सी जापान, डी जर्मनी। आंसर सी जापान। एक्सप्लेनेशन, 3 जुलाई 2024 को जापान ने 10,000 येन, 5,000 येन और 1,000 येन के नए बैंकनोट जारी करना शुरू किया। नए बैंकनोटों में जालसाजी से निपटने के लिए त्रिआयामी होलोग्राम तकनीक की सुविधा है, जो किसी भी देश की मुद्रा पर इस तरह का पहला उपयोग है। अगला प्रश्न, जुलाई 2024 में किस सूचकांक ने पहली बार 80,000 से ऊपर बंद होकर एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया? ए सेंसेक्स, बी निफ्टी IT, सी निफ्टी 50, डी निफ्टी फॉर्मा। आंसर ए सेंसेक्स। एक्सप्लेनेशन, 4 जुलाई 2024 को भारत के बेंचमार्क सेंसेक्स ने पहली बार 80,000 अंक के ऊपर बंद होकर एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया। सेंसेक्स, जिसे S&P/BSE सेंसेक्स के रूप में भी जाना जाता है, भारत का प्रमुख शेयर बाजार सूचकांक है। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE पर सूचीबद्ध 30 सबसे बड़ी और सबसे सक्रिय रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों के प्रदर्शन का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा किस शहर में आयोजित की जाती है? ए वाराणसी, बी पुरी, सी ऋषिकेश, डी हरिद्वार। आंसर
बी पुरी। एक्सप्लेनेशन, विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 7 जुलाई रविवार से ओडिशा के पुरी में शुरू हो गई है। ये यात्रा 16 जुलाई तक चलेगी। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र संत साल में एक बार प्रसिद्ध गुंडिचा माता के मंदिर में जाते हैं। इस पवित्र रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ अपने बहन और भाई संग पूरे नगर का भ्रमण करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर विशाल रथ यात्रा निकाली जाती है, फिर आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष दसवीं तिथि पर इसका समापन होता है। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2024-25 कब पेश किया जाएगा? ए 23 जुलाई, बी 24 जुलाई, सी 25 जुलाई, डी 26 जुलाई। आंसर ए 23 जुलाई। एक्सप्लेनेशन, 18वीं लोकसभा के गठन के बाद अब सबकी निगाहें मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट पर टिकी हुई है। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र के दौरान 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश करेगी। इसके साथ ही सीतारमण लगातार 7 केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया, ये किस राज्य में है? ए राजस्थान, बी कर्नाटक, सी असम, डी ओडिशा। आंसर डी ओडिशा। एक्सप्लेनेशन, ओडिशा के 4 दिवसीय दौरे पर गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भुवनेश्वर में ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा कर रही है। उदयगिरी की गुफाएं हाथी गुम्फा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है जो ब्राह्मी लिपि में खुदी हुई है। शिलालेख जैन नमोकार मंत्र से शुरू होता है और ओडिशा के प्राचीन नाम कलिंग के एक महान राजा खारवेल द्वारा किए गए विभिन्न सैन्य अभियानों को दर्शाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मित्र वन पहल शुरू की है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। आंसर सी उत्तर प्रदेश। एक्सप्लेनेशन, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के हिस्से के रूप में मित्र वन शुरू करने की घोषणा की है। इस पहल के लिए कम से कम 35 वन प्रभाग मित्र वन की स्थापना के लिए स्थानों की पहचान करेंगे। इस पहल में वृक्षारोपण जन अभियान में भाग लेने वाले प्रत्येक जिले में शक्ति वन, युवा वन और बाल वन जैसे विशेष वन भी स्थापित किए जाएंगे। अगला प्रश्न, किस कंपनी ने दुनिया की पहली सीएनजी संचालित बाइक लॉन्च की है? ए टीवीएस, बी बजाज, सी रॉयल एनफील्ड, डी हीरो। आंसर बी बजाज। एक्सप्लेनेशन, दोपहिया और तिपहिया वाहनों की दुनिया की अग्रणी निर्माता कंपनी बजाज ऑटो ने दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल लॉन्च की। बजाज फ्रीडम सीएनजी मोटरसाइकिल सिर्फ 2 किलोग्राम सीएनजी ईंधन पर 200 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज प्रदान करती है। इसमें 2 लीटर का पेट्रोल टैंक भी होगा जो 130 किलोमीटर की रेंज देगा। बजाज फ्रीडम मोटरसाइकिल पेट्रोल मोटरसाइकिलों की तुलना में 26.7% कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करती है। भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी की है? ए IOCL, बी HPCL, सी रिलायंस इंडस्ट्री, डी BPCL। आंसर डी BPCL। एक्सप्लेनेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL ने हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 से लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक तक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ IOA के साथ ऑफिशियल प्रिंसिपल पार्टनर के रूप में समझौता किया है। IOA की अध्यक्ष टी उषा ने इस पार्टनरशिप के लिए BPCL को धन्यवाद दिया है। अगला प्रश्न, स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण DRDO ने किसके साथ मिलकर तैयार किया है? ए लासन एंड टुब्रो, बी रिलायंस इंडस्ट्री, सी HAL, डी टाटा ग्रुप। आंसर ए लासन एंड टुब्रो। एक्सप्लेनेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने लासन एंड टुब्रो LMT के साथ मिलकर स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर को लॉन्च कर दिया है और जल्द ही इसका व्यापक परीक्षण किया जाएगा। ये टैंक कमिंस इंजन द्वारा संचालित है और DRDO ने घरेलू स्तर पर एक नया इंजन विकसित करने की परियोजना शुरू की है। अगला प्रश्न, जीवन समर्थ पहल हाल ही में किस संस्था ने शुरू की है? ए शिक्षा मंत्रालय, बी नीति आयोग, सी LIC, डी विदेश मंत्रालय। आंसर सी LIC। एक्सप्लेनेशन, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने हाल ही में इन नई पहल जीवन समर्थ लॉन्च की है। इसके लिए LIC ने एक वैश्विक परामर्श फर्म के साथ साझेदारी की है जो एंड टू एंड आधार पर इस पहल के लिए सहयोग करेगी। LIC के CEO मैनेजिंग डायरेक्टर सिद्धार्थ मोहंती ने इस मौके पर कहा, जीवन समर्थ योजना के जरिए हम एजेंटों के पूरे नेटवर्क को बेहतर बनाना चाहते हैं।
अगला प्रश्न, हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? ए अमिताभ बच्चन, बी मुकेश अंबानी, सी राहुल गांधी, डी रोशनी नादर मल्होत्रा। आंसर डी रोशनी नादर मल्होत्रा। एक्सप्लेनेशन, HCL टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शिविलियर डे ला लेगियन डी ऑनर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। नादर ने कहा कि ये सम्मान पाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है और यह भारत तथा फ्रांस के बीच रणनीतिक संबंधों को रेखांकित करता है। अगला प्रश्न, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? ए शरत कमल, बी गगन नारंग, सी पीवी सिंधु, डी ए और सी दोनों। आंसर डी ए और सी दोनों। एक्सप्लेनेशन, दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और शीर्ष टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के दौरान भारत के ध्वजवाहक होंगे। वहीं ओलंपिक पदक विजेता गगन नारंग ने भारत के पेरिस 2024 ओलंपिक दल के सेफ्टी मिशन के रूप में मुक्केबाजी की दिग्गज मैरी कॉम की जगह ली। जुलाई 2024 में अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी को प्राप्त रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? ए सेंट एंड्रू द एपोस्टल का आदेश, बी अलेक्जेंडर नेवस्की का आदेश, सी सेंट जॉर्ज का आदेश, डी मित्रता का आदेश। आंसर ए सेंट एंड्रू द एपोस्टल का आदेश। एक्सप्लेनेशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल मिला। ये पुरस्कार 9 जुलाई 2024 को मॉस्को क्रेमलिन के सेंट कैथरीन हॉल में एक समारोह में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा प्रदान किया गया। अगला प्रश्न, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? ए वीवीएस लक्ष्मण, बी गौतम गंभीर, सी वीरेंद्र सहवाग, डी विकी पोंटिन। आंसर बी गौतम गंभीर। एक्सप्लेनेशन, 9 जुलाई 2024 को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा गौतम गंभीर को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। वह राहुल द्रविड़ की जगह लेंगे जिनका कार्यकाल T20 विश्व कप के बाद समाप्त हो गया था। अगला प्रश्न, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व हाल ही में खबरों में रहा, ये किस राज्य में स्थित है? ए हरियाणा, बी ओडिशा, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। आंसर सी मध्य प्रदेश। एक्सप्लेनेशन, मध्य प्रदेश सरकार ने बाघों के कथित अवैध शिकार और नव स्थापित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में अनियमितताओं की जांच शुरू कर दी है। यह मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिलों में फैला हुआ है। यह मध्य प्रदेश का 7वां बाघ अभयारण्य है। अगला प्रश्न, आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन होगा? ए भारतीय एयरटेल, बी टाटा ग्रुप, सी रिलायंस ग्रुप, डी अदानी ग्रुप। आंसर डी अदानी ग्रुप। एक्सप्लेनेशन, आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के मुख्य प्रायोजक प्रिंसिपल स्पॉन्सर के रूप में अदानी ग्रुप को चुना गया है। अदानी समूह ने हैशटैग देश का गीत एट ओलंपिक्स बैनर के तहत एक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया है। 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों का आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त तक किया जाएगा। अगला प्रश्न, टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने हाल ही में घर घर सोलर पहल किस राज्य में शुरू की है? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। आंसर डी उत्तर प्रदेश। एक्सप्लेनेशन, टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य हर घर को सौर समाधान के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना है। इस मिशन की शुरुआत पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से की गई है। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? ए लंदन, बी पेरिस, सी वाशिंगटन, डी अंकारा। आंसर सी वाशिंगटन। एक्सप्लेनेशन, हाल ही में सैन्य गठबंधन नाटो के शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के वाशिंगटन में किया गया। इस सम्मेलन में यूक्रेन की सदस्यता पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही यूक्रेन को अगले वर्ष के भीतर सैन्य सहायता के रूप में न्यूनतम 40 बिलियन यूरो 43.28 बिलियन डॉलर की धनराशि प्रदान करने पर विचार किया गया। नेटो 32 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। अगला प्रश्न, साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश।
आंसर ए महाराष्ट्र। एक्सप्लेनेशन 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने हाल ही में महाराष्ट्र राज्य को साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये घोषणा 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति द्वारा की गई, जिसकी अध्यक्षता भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और केरल के राज्यपाल न्यायमूर्ति पी सदाशिवम ने की। अगला प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 9 जुलाई, बी 10 जुलाई, सी 11 जुलाई, डी 12 जुलाई। आंसर सी 11 जुलाई। एक्सप्लेनेशन, विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित किया गया था और पहली बार 1989 में मनाया गया था। यह विचार 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या के 5 अरब तक पहुंचने से प्रेरित था। विश्व जनसंख्या दिवस 2024 का थीम किसी को पीछे न छोड़े, सभी को गिने, लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन है। अगला प्रश्न, किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? ए अभिनव सिन्हा, बी डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, सी गीता गोपीनाथ, डी नृपेंद्र मिश्रा। आंसर बी डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। एक्सप्लेनेशन, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर सौम्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक है और पहले भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के महानिदेशक के रूप में भी काम कर चुकी है। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट में एक नए फाइलिंग काउंटर का उद्घाटन किसने किया? ए अनुराग ठाकुर, बी अमित शाह, सी राजनाथ सिंह, डी डीवाई चंद्रचूड़। आंसर डी डीवाई चंद्रचूड़। एक्सप्लेनेशन, भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने आज नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य परिसर में एक नए फाइलिंग काउंटर तथा सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया, जिसे शीर्ष अदालत के न्याय तक पहुंच मिशन के तहत स्थापित किया गया है। नया केंद्र न्यायालय में कामकाज को सुव्यवस्थित करने के लिए वकीलों को उनके मामलों से संबंधित सभी दस्तावेजों तक केंद्रीकृत पहुंच प्रदान करेगा। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने इस अवसर पर कहा कि बहुसुविधा केंद्र भारत के नागरिकों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाएगा। 1975 के आपातकाल का विरोध करने वालों को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष किस तारीख को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा? ए 26 जनवरी, बी 25 जून, सी 15 अगस्त, डी 2 अक्टूबर। आंसर बी 25 जून। एक्सप्लेनेशन, भारत सरकार ने घोषणा की कि आपातकाल के दौरान अन्याय का विरोध करने और लड़ने वालों को सम्मानित करने के लिए 25 जून को प्रतिवर्ष संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाया गया था। अगला प्रश्न, नेपाल के कौन से प्रधानमंत्री 12 जुलाई 2024 को संसदीय विश्वास मत हार गए? ए केपी शर्मा ओली, बी माधव कुमार नेपाल, सी पुष्प कमल दहल, डी शेर बहादुर देउबा। आंसर सी पुष्प कमल दहल। एक्सप्लेनेशन, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल 12 जुलाई 2024 को संसदीय विश्वास मत हार गए। दरअसल इस महीने की शुरुआत में चीन समर्थक केपी शर्मा ओली की पार्टी CPNUML ने प्रधानमंत्री प्रचंड की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल से गठबंधन तोड़ लिया था। इसके बाद उनकी सरकार अल्पमत में आ गई थी। द काठमांडू पोस्ट के मुताबिक ओली ने नेपाली कांग्रेस की शेर बहादुर देउबा के साथ राष्ट्रपति को सरकार बनाने की अर्जी सौंपी है। अगला प्रश्न, CISF और BSF द्वारा पूर्व अग्निवीरों के लिए कांस्टेबल की कितनी प्रतिशत नौकरियां आरक्षित की गई हैं? ए 5%, बी 10%, सी 15%, डी 20%। आंसर डी 10%। एक्सप्लेनेशन, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF और सीमा सुरक्षा बल BSF ने पूर्व अग्निवीरों के लिए कांस्टेबल की 10% नौकरियां आरक्षित की है। इतना ही नहीं, पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से भी छूट मिलेगी। इसके अलावा पहले वर्ष में आयु में छूट 5 वर्ष की होगी और उसके बाद के वर्ष में आयु में छूट 3 वर्ष की होगी। अगला प्रश्न, 2021 तक अनुमानित वैश्विक जनसंख्या कितनी है? ए 5.2 बिलियन, बी 6.0 बिलियन, सी 6.5 बिलियन, डी 7.9 बिलियन। आंसर डी 7.9 बिलियन। एक्सप्लेनेशन, 2021 तक विश्व की जनसंख्या लगभग 7.9 बिलियन है। अनुमानों से पता चलता है कि ये 2030 तक लगभग 8.5 बिलियन, 2050 तक 9.7 बिलियन और 2100 तक 10.9 बिलियन तक पहुंच सकता है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक भारत अब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है।
भारत की आबादी 142.86 करोड़ पहुंच गई है, जबकि चीन की जनसंख्या 142.57 करोड़ है। भारत की आबादी अब 29 लाख ज्यादा हो गई है। ये पहली बार है कि भारत की जनसंख्या 1950 के बाद से चीन से आगे निकल गई है। अगला प्रश्न, महिला टी20 एशिया कप 2024 कहां आयोजित किया जाएगा? ए दाम्बुला श्रीलंका, बी दुबई संयुक्त अरब अमीरात, सी मुंबई भारत, डी कोलंबो श्रीलंका। आंसर ए दाम्बुला श्रीलंका। एक्सप्लेनेशन, 8 देशों का महिला टी20 एशिया कप 2024 19 जुलाई 2024 को RDICS दाम्बुला में शुरू होगा। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के अलावा थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल और मलेशिया की टीम भी टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है। टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए भारत, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात और नेपाल। ग्रुप बी बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया और थाईलैंड। पुरुष एकल विंबलडन खिताब 2024 किसने जीता? ए कार्लोस अल्काराज, बी नोवाक जोकोविच, सी डेनियल मेदवेदेव, डी लोरेंजो मुसेटी। आंसर ए कार्लोस अल्काराज। एक्सप्लेनेशन, स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने लगातार दूसरी बार विंबलडन का खिताब जीत लिया है। लंदन के सेंटर कोर्ट में 14 जुलाई को हुए फाइनल में उन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके सर्बिया के नोवाक जोकोविच को सीधे सेटों में 6-2, 6-2, 7-6, 7-4 से हराया। अल्काराज ने 2023 में भी विंबलडन खिताब जीता था। यहां भी फाइनल में उनके सामने नोवाक जोकोविच ही थे। अगला प्रश्न, महिला एकल विंबलडन खिताब 2024 किसने जीता? ए जैस्मीन पावलिनी, बी बारबोरा क्रेजिकोवा, सी एलिना रायबाकिना, डी डोना वेकिच। आंसर बी बारबोरा क्रेजिकोवा। एक्सप्लेनेशन, चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिकोवा ने इटली की जैस्मीन पावलिनी को 3-6, 2-2, 6-6, 6-4 में हराकर विंबलडन महिला खिताब जीता। क्रेजिकोवा ने अपनी झोली में दूसरी ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी भी जोड़ ली है, जिसमें 2021 फ्रेंच ओपन सिंगल्स चैंपियनशिप भी शामिल है। अगला प्रश्न, 14 जुलाई 2024 को नेपाल का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? ए पुष्प कमल दहल प्रचंड, बी शेर बहादुर देवबा, सी के पी शर्मा ओली, डी रामचंद्र पौडेल। आंसर सी के पी शर्मा ओली। एक्सप्लेनेशन, राष्ट्रपति पौडेल ने नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 76(2) के तहत कल CPM-UML और नेपाली कांग्रेस गठबंधन के नेता चुने गए केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। अपने पहले कार्यकाल में ओली ने सार्वजनिक रूप से भारत की आलोचना की थी। 2015 में नेपाल में नया संघीय लोकतांत्रिक संविधान अपनाए जाने के बाद तराई क्षेत्र में महीनों तक आंदोलन चला। भारतीय मूल के तराई निवासियों ने भेदभाव का आरोप लगाया था। अगला प्रश्न, यूरो कप फुटबॉल 2024 का फाइनल किसने जीता? ए इटली, बी जर्मनी, सी इंग्लैंड, डी स्पेन। आंसर डी स्पेन। एक्सप्लेनेशन, बर्लिन में स्पेन ने यूरो कप 2024 के फाइनल मैच में इंग्लैंड को 2-1 से मात दी। इसके साथ ही स्पेन फुटबॉल टीम ने इतिहास रच दिया। ये चौथी बार रहा जब स्पेन की टीम ने यूरो कप का खिताब जीता। वहीं इंग्लैंड टीम का एक बार फिर से चैंपियन बनने का सपना टूट गया। इससे पहले इंग्लैंड की टीम 2020 सीजन में इटली के हाथों फाइनल में हारी थी। अगला प्रश्न, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी असम। आंसर सी मध्य प्रदेश। एक्सप्लेनेशन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में मध्य प्रदेश में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का वर्चुअली उद्घाटन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने इंदौर से राज्य से सभी 55 जिलों में इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित कई अन्य मंत्री उपस्थित थे। PM मोदी ने हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी? ए हिमाचल प्रदेश, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। आंसर सी महाराष्ट्र। एक्सप्लेनेशन, PM मोदी ने मुंबई में भारत की सबसे लंबी और बड़ी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित 16,000 करोड़ रुपए की ठाणे बोरीवली ट्विन टनल परियोजना यात्रा समय को 1 घंटे से घटाकर केवल 12 मिनट कर देगी। टनल के माध्यम से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के वाहन सीधे ठाणे के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे तक पहुंच सकेंगे। दूरी कम करने के लिए टनल का निर्माण संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे किया जा रहा है। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? ए 3 मिलियन, बी 5 मिलियन, सी 7 मिलियन, डी 9 मिलियन। आंसर बी 5 मिलियन।
एक्सप्लेनेशन। भारत सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अपने वार्षिक योगदान के हिस्से के रूप में निकटपूर्व में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी UNRWA को 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पहली किश्त जारी कर दी है। अगला प्रश्न, विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 15 जुलाई, बी 16 जुलाई, सी 17 जुलाई, डी 18 जुलाई। आंसर ए 15 जुलाई। एक्सप्लेनेशन, युवाओं को रोजगार, उद्यमिता और उनकी कौशल क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाया जाता है। इसकी दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2014 में की गई थी। इस वर्ष इसका थीम शांति और विकास के लिए युवा कौशल यूथ स्किल्स फॉर पीस और डेवलपमेंट है। अगला प्रश्न, किस राज्य में दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष विद्यालय स्थापित किया जा रहा है? ए ओडिशा, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी झारखंड। आंसर डी झारखंड। एक्सप्लेनेशन, झारखंड सरकार राज्य के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रही है। रांची में प्रस्तावित यह विश्वविद्यालय पूर्वी भारत का पहला ऐसा शैक्षणिक संस्थान होगा जिसमें दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए उनकी जरूरतों के हिसाब से शिक्षा की विशेष व्यवस्था रहेगी। वहां उनके लिए विशेष कोर्स तथा शैक्षणिक उपकरणों का इंतजाम भी रहेगा। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को शिक्षा के लिए बाहर जाने से रोकना है। अगला प्रश्न, टेस्ट क्रिकेट में 6000 से अधिक रन और 200 से अधिक विकेट लेने वाले इंग्लैंड के पहले खिलाड़ी कौन बने? ए जेम्स एंडरसन, बी स्टुअर्ट ब्रॉड, सी बेन स्टोक्स, डी जो रूट। आंसर सी बेन स्टोक्स। एक्सप्लेनेशन, इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स गुरुवार को वेस्टइंडीज के महान गैरी सोबर्स और दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज ऑलराउंडर जैक स्केलिस की लिस्ट में शामिल हो गए। वे टेस्ट क्रिकेट में 6000 से अधिक रन और 200 से अधिक विकेट लेने वाले तीसरे और इंग्लैंड के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। यूपी मैंगो फेस्टिवल 2024 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश को 15 इनाम भेजे हैं? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी मलेशिया, सी जापान, डी दुबई। आंसर सी जापान। एक्सप्लेनेशन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अवध शिल्पग्राम में आयोजित 3 दिवसीय आम महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों और उत्पादकों के हितों के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। दुनिया के बाजार में पहुंचाने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है। पहली बार लखनऊ का दशहरी आम अमेरिका गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जापान को 15 का नाम भेजा। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने लाडला भाई योजना शुरू करने जा रही है? ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। आंसर बी महाराष्ट्र। एक्सप्लेनेशन, महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने हाल ही में राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए लाडली बहना योजना की तर्ज पर लाडला भाई योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत छात्रों की योग्यता के आधार पर राशि की व्यवस्था की गई है। 12वीं पास छात्रों को हर महीने 6000 रुपये, डिप्लोमा वाले को 8000 रुपये तथा ग्रेजुएट छात्रों को 10000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। CM ने कहा कि इस योजना के तहत युवा 1 साल तक अप्रेंटिसशिप करेंगे। अप्रेंटिसशिप के दौरान सरकार युवाओं को पैसे देगी तथा अप्रेंटिसशिप के अनुभव के आधार पर युवाओं को नौकरी मिलेगी। अगला प्रश्न, ICAR का एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम किस क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर करने के लिए शुरू किया गया है? ए कृषि और पशुपालन, बी खाद्य प्रसंस्करण, सी पर्यावरण संरक्षण, डी जैव प्रौद्योगिकी। आंसर ए कृषि और पशुपालन। एक्सप्लेनेशन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR कृषि और पशुपालन में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अपना एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम शुरू करेगी। ये पहल ICAR के 96वें स्थापना दिवस पर दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान अनाज, तिलहन, चारा फसलों और गन्ने सहित 56 फसलों की 323 किस्मों को जारी करने के साथ ही शुरू होगी। इनमें से 289 जलवायु अनुकूल और 27 जैव संवर्धित किस्में हैं। ICAR का लक्ष्य केंद्र की कार्ययोजना के तहत 100 दिनों के भीतर 100 नई बीज किस्में और 100 कृषि प्रौद्योगिकियां विकसित करना है और योजना है कि प्रधानमंत्री मोदी सितंबर के मध्य तक इन कार्यक्रमों का शुभारंभ करेंगे। अगला प्रश्न, दूसरा एशिया प्रशांत आपद मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? ए दक्षिण कोरिया, बी जापान, सी चीन, डी भारत। आंसर डी भारत। एक्सप्लेनेशन, भारत 11 और 12 सितंबर को दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है जिसमें चीन और पाकिस्तान सहित लगभग 40 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
एशिया प्रशांत क्षेत्र वैश्विक हवाई यातायात में एक महत्वपूर्ण योगदान करता है और भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ विमानन बाजार है। पहला एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2018 में बीजिंग में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, 14 जुलाई को किस शहर ने 1.1 मिलियन से अधिक पौधे लगाकर 24 घंटों में एक टीम द्वारा लगाए गए सबसे अधिक पेड़ की श्रेणी में नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? ए लखनऊ, बी गुरुग्राम, सी इंदौर, डी पटना। आंसर सी इंदौर। एक्सप्लेनेशन, महज 24 घंटे में 11 लाख से अधिक पौधे लगाकर इंदौर ने 14 जुलाई को 24 घंटे में एक टीम द्वारा लगाए गए सर्वाधिक पेड़ की श्रेणी में नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। इस कार्यक्रम का आयोजन राज्य सरकार ने किया था। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान के दौरान 51 लाख पौधे लगाए जाएंगे। वृक्षारोपण अभियान बीएसएफ अकादमी के रेवती रेंज में चलाया गया, जिसे 9 जोन और 100 उप जोन में विभाजित किया गया था। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत की दल में किस टीम के एथलीटों का सबसे बड़ा समूह होगा? ए एथलेटिक्स, बी शूटिंग, सी कुश्ती, डी हॉकी। आंसर ए एथलेटिक्स। एक्सप्लेनेशन, पेरिस ओलंपिक का आगाज 26 जुलाई से होने जा रहा है। भारतीय ओलंपिक संघ IOC ने बुधवार को ओलंपिक के लिए भारतीय दल में 7 रिजर्व सहित 117 एथलीटों के शामिल होने की पुष्टि की। 29 एथलीटों के साथ एथलेटिक्स टीम सबसे बड़ा समूह है, जिसमें 11 महिला और 18 पुरुष शामिल हैं। इनके अलावा निशानेबाजी में 21 और हॉकी के 19 खिलाड़ी इन खेलों में हिस्सा लेंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही कीर्ति कार्यक्रम किस मंत्रालय की पहल है? ए विदेश मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी खेल मंत्रालय, डी रक्षा मंत्रालय। आंसर सी खेल मंत्रालय। एक्सप्लेनेशन, पेरिस ओलंपिक के मद्देनजर सरकार के महत्वाकांक्षी खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति कार्यक्रम को केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के नेतृत्व में नए सिरे से बढ़ावा मिलने वाला है। 19 जुलाई को इसके दूसरे चरण की शुरुआत की जाएगी। इससे पहले कीर्ति का पहला चरण इसी साल 12 मार्च को चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया था। कीर्ति कार्यक्रम का लक्ष्य पूरे देश में साल भर में विभिन्न खेलों के 20 लाख टैलेंटेड खिलाड़ियों की पहचान करना है। इस तरह के प्रतिभाओं की पहचान और मूल्यांकन कार्यक्रम भारत में पहली बार हो रहा है। अगला प्रश्न, श्रीलंका दौरे के लिए T20 का कप्तान किसे नियुक्त किया गया? ए हार्दिक पांड्या, बी सूर्य कुमार यादव, सी ऋषभ पंत, डी शुभमन गिल। आंसर बी सूर्य कुमार यादव। एक्सप्लेनेशन, भारत और श्रीलंका के बीच 27 जुलाई से शुरू होने वाली 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की गुरुवार को घोषणा हो गई। सूर्य कुमार यादव को इस टीम का कप्तान बनाया गया है। वहीं रोहित शर्मा वनडे टीम की कप्तानी संभालते नजर आएंगे। विराट कोहली भी इस दौरे पर वनडे सीरीज का हिस्सा होंगे। इस दौरे पर दोनों सीरीज के लिए शुभमन गिल को उप कप्तान बनाया गया है। अगला प्रश्न, गोंडा ट्रेन एक्सीडेंट में कौन सी गाड़ी पटरी से उतर गई? ए डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस, बी अवध असम एक्सप्रेस, सी पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, डी चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस। आंसर डी चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस। एक्सप्लेनेशन, 18 जुलाई को चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस 15904 की 14 बोगिया गोंडा रेलवे स्टेशन के निकट मोतीगंज जिलही बाजार के बीच 2:41 बजे पटरी से उतरकर पलट गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, हादसे के बाद करीब 500 मीटर तक पटरी उखड़ गई। इलेक्ट्रिक लाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे की प्रारंभिक वजह बारिश के कारण पटरी के दोनों तरफ जलभराव होने से ट्रैक का बैठना बताया जा रहा है। अगला प्रश्न, फोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किसने किया? ए नितिन गडकरी, बी एस जयशंकर, सी राजनाथ सिंह, डी अमित शाह। आंसर डी एस जयशंकर। एक्सप्लेनेशन, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया। मॉरिशस के विदेश मंत्री मनीष गोविंद भी 16 जुलाई 2024 को ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह के दौरान उपस्थित थे। डॉक्टर एस जयशंकर 16 और 17 जुलाई 2024 को मॉरिशस की 2 दिवसीय यात्रा पर थे। साथ ही विदेश मंत्री जयशंकर ने भारत के बाहर पहले जन औषधि केंद्र का भी उद्घाटन किया। 19 जुलाई को दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड ठप होने से कौन कौन सी सेवाएं बाधित रही? ए एयरलाइन सेवाएं, बी बैंकिंग सेवाएं, सी शेयर बाजार, डी उपयुक्त सभी। आंसर डी
उपयुक्त सभी एक्सप्लेनेशन। माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड के ठप होने के कारण पूरी दुनिया ठप हो गई है। इसकी बड़ी वजह यह है कि दुनिया भर के तमाम बैंक, बिजनेस, एयरलाइन, शेयर बाजार आदि माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सर्वर पर निर्भर है। माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड के डाउन होने के कारण भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया भर की सैकड़ों फ्लाइट कैंसिल हुई है और कईयों का समय बदला गया। दुनिया के कई बैंकों के काम भी ठप पड़ गए और कई देश के शेयर मार्केट सेवा में व्यवधान आ गई है। अगला प्रश्न, कौन सा विधेयक विमान अधिनियम 1934 का स्थान लेगा? ए कॉफी संवर्धन और विकास विधेयक, बी भारतीय वायुयान विधेयक 2024, सी बॉयलर बिल, डी वित्त विधेयक। आंसर बी भारतीय वायुयान विधेयक 2024। एक्सप्लेनेशन, एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 की जगह भारतीय वायुयान विधेयक 2024 आने जा रहा है। नए कानून के तहत एविएशन सेक्टर के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और एविएशन सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय समझौते के हिसाब से बिल में जरूरी प्रावधान भी किए जाएंगे। अगला प्रश्न, यूपी सरकार कार्बन फाइनेंस के माध्यम से किसकी आय बढ़ाएगी? ए विकलांग व्यक्ति, बी महिलाएं, सी किसान, डी व्यापारी। आंसर सी किसान। एक्सप्लेनेशन, उत्तर प्रदेश सरकार कार्बन फाइनेंस के जरिए किसानों की आय बढ़ाएगी। इससे किसानों को वृक्षारोपण अभियान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। किसान तेजी से बढ़ने वाले पेड़ जैसे चिनार, मेलिया, दुबिया और सेमल लगाकर कार्बन क्रेडिट से अतिरिक्त आय प्राप्त करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 जुलाई को 36.50 करोड़ पौधे लगाने का और 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न, किस कंपनी ने हाई स्पीड कार रेसिंग इंजन स्टॉर्म एक्स लॉन्च किया है? ए इंडियन ऑयल, बी भारत पेट्रोलियम, सी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, डी रिलायंस इंडस्ट्रीज। आंसर ए इंडियन ऑयल। एक्सप्लेनेशन, इंडियन ऑयल ने अपने एक बयान में कहा कि उड़ीसा के पारादीप में स्थित कंपनी की रिफाइनरी ने रेसिंग कारों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए हाई ऑक्टेन पेट्रोल स्टॉर्म एक्स का प्रोडक्शन शुरू किया है। इंडियन ऑयल इसी के साथ F1 रेसिंग में इस्तेमाल होने वाले ईंधन का उत्पादन करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है, जबकि दुनिया में कुछ गिनी चुनी ही कंपनियां हाई ऑक्टेन पेट्रोल स्टॉर्म एक्स का प्रोडक्शन करती हैं। अगला प्रश्न, पेरिस ओलंपिक 2024 में बिहार से कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं? ए एक, बी दो, सी तीन, डी चार। आंसर ए एक। एक्सप्लेनेशन, पेरिस ओलंपिक 2024 में बिहार से मात्र एक खिलाड़ी श्रेयसी सिंह शूटिंग प्रतिस्पर्धा महिला ट्रैक में भाग ले रही है। श्रेयसी सिंह बिहार के जमुई से बीजेपी विधायक भी हैं। वहीं हरियाणा से सबसे ज्यादा 24 खिलाड़ी तथा पंजाब से 19 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र 21 से 31 जुलाई 2024 तक कहां आयोजित किया जाएगा? ए नई दिल्ली, बी टोक्यो, सी लंदन, डी पेरिस। आंसर ए नई दिल्ली। एक्सप्लेनेशन, नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की शुरुआत हो गई है। भारत में पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। भारत मंडपम में ये सत्र 21 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगा। इसमें 150 से अधिक देशों के 2000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। विश्व विरासत सूची में भारत की 42 संपत्तियां हैं, 34 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित विरासत स्थल। अगला प्रश्न, भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किस देश में किया गया? ए मालदीव, बी श्रीलंका, सी सेशल्स, डी मॉरिशस। आंसर डी मॉरिशस। एक्सप्लेनेशन, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को मॉरिशस में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया, जो दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कार्यक्रम में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ भी मौजूद थे। अब दूसरे देश में भी जन औषधि केंद्र से लोग सस्ती दवाएं ले सकते हैं। अगला प्रश्न, रेलवे सुरक्षा बल RPF ने पिछले 7 वर्षों में किस अभियान के तहत 84,119 बच्चों को बचाया है? ए ऑपरेशन सुरक्षित बच्चे, बी ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, सी ऑपरेशन मुस्कान, डी ऑपरेशन स्माइल। आंसर बी ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। एक्सप्लेनेशन, रेलवे सुरक्षा बल RPF ने पिछले 7 वर्षों में भारतीय रेलवे के विभिन्न जोनों के स्टेशनों और ट्रेनों में खतरे में पड़े या संभावित खतरे में पड़ सकने वाले 84,119 बच्चों को बचाया है। नन्हे फरिश्ते सिर्फ एक ऑपरेशन से कहीं अधिक है। यह उन हजारों बच्चों के लिए एक जीवन रेखा है जो खुद को अनिश्चित परिस्थितियों में पाते हैं। वर्ष 2018 में ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते की महत्वपूर्ण शुरुआत हुई।
बचाए गए बच्चों में से भागे हुए बच्चों, लापता पाए गए, बिछड़े हुए, निराश्रित, अपहृत, मानसिक रूप से विक्षिप्त और बेघर बच्चे पाए गए। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश कौन बन गया है? ए दक्षिण अफ्रीका, बी जिम्बाब्वे, सी आइवरी कोस्ट, डी केन्या। आंसर सी आइवरी कोस्ट। एक्सप्लेनेशन, आइवरी कोस्ट 10वें अफ्रीकी देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल हुआ। आइवरी कोस्ट सहकारी जल प्रबंधन को बढ़ाने के लिए कन्वेंशन में शामिल हुआ है। यह 1992 के संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन का 53वां पक्ष देश भी बन गया है, जिसे ट्रांसबाउंड्री जलमार्गों और अंतर्राष्ट्रीय झीलों के संरक्षण और उपयोग पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। इस कन्वेंशन की स्थापना पैन यूरोपीय क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय ढांचे के रूप में की गई थी। अगला प्रश्न, भारत में मोटो जीपी के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नामित किया गया? ए रोहित शर्मा, बी शिखर धवन, सी विराट कोहली, डी एम एस धोनी। आंसर बी शिखर धवन। एक्सप्लेनेशन, यूरोस्पोर्ट इंडिया ने भारत में मोटो जीपी के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भारतीय क्रिकेट आइकन शिखर धवन को नियुक्त किया है। क्रिकेट के मैदान पर अपनी तूफानी उपस्थिति के लिए जाने जाने वाले धवन यूरोस्पोर्ट इंडिया के नवीनतम अभियान फेस कर रेस कर के माध्यम से रेसिंग के प्रति अपने जुनून का प्रदर्शन करेंगे। फेस कर रेस कर अभियान मोटो जीपी की अदम्य भावना को समाहित करता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में पीएम किसान योजना की राशि कितनी करने की सिफारिश की गई है? ए 8000, बी 10000, सी 12000, डी 14000। आंसर ए 8000। एक्सप्लेनेशन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश किया। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल यानी 23 जुलाई को रिकॉर्ड 7वीं बार केंद्रीय बजट पेश करेंगी। ये हाल ही में चुनी गई एनडीए सरकार का पहला बजट होगा। कृषि क्षेत्र में आर और डी में निवेश की मांग की गई है। वहीं पीएम किसान योजना की किस्त राशि बढ़ाकर 8000 किए जाने की मांग की गई है। अगला प्रश्न, महिला टी20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? ए हरमनप्रीत कौर, बी स्मृति मंधाना, सी दीप्ति शर्मा, डी शेफाली वर्मा। आंसर बी स्मृति मंधाना। एक्सप्लेनेशन, भारत की स्टार महिला खिलाड़ी स्मृति मंधाना टी20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। उन्होंने इस मामले में हरमनप्रीत कौर को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने यह उपलब्धि एशिया कप 2024 मैच में पाकिस्तान के खिलाफ हासिल की। उनके नाम कुल 3,365 रन हो गए हैं। अगला प्रश्न, भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किसे IFFM द्वारा सम्मानित किया जाएगा? ए अजय देवगन, बी अक्षय कुमार, सी शाहरुख खान, डी रामचरण। आंसर डी रामचरण। एक्सप्लेनेशन, अभिनेता रामचरण मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव IFFM में सम्मानी अतिथि होंगे और वहां उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारतीय कला एवं संस्कृति के दूत का पुरस्कार भी दिया जाएगा। ये फिल्म महोत्सव प्रतिवर्ष विक्टोरियन राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें अभिनेता की फिल्मों का पुनरावलोकन किया जाएगा ताकि फिल्म उद्योग में उनके सफर का जश्न मनाया जा सके। ये 15 अगस्त से 25 अगस्त तक चलेगा। अगला प्रश्न, मनोलो मार्केस को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया, वह किस देश के है? ए अर्जेंटीना, बी ऑस्ट्रेलिया, सी स्पेन, डी जर्मनी। आंसर सी स्पेन। एक्सप्लेनेशन, स्पेन के मनोलो मार्केस को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया। वह इंडियन सुपर लीग ISL 2024-25 सीजन में FC गोवा के कोच बने रहेंगे। मार्केस ISL 2024-25 के बाद पूर्णकालिक तौर पर राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच का पद संभालेंगे। AIFF के अध्यक्ष कल्याण चौबे ने ये जानकारी दी है। अगला प्रश्न, BCCI ने पेरिस ओलंपिक्स के कैंपेन के लिए कितने रुपए का योगदान दिया है? ए 7.5 करोड़, बी 8.5 करोड़, सी 9.5 करोड़, डी 10.5 करोड़। आंसर डी 8.5 करोड़। एक्सप्लेनेशन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA को 8.5 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। BCCI के सचिव जय शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की जानकारी दी है। खेलों के महाकुंभ पेरिस ओलंपिक 2024 की शुरुआत 26 जुलाई से हो रही है और इसका समापन 11 अगस्त को होगा। बजट 2024 में कितने युवाओं को इंटर्नशिप और मासिक भत्ते का प्रावधान किया गया है? ए 1 करोड़, बी 2 करोड़, सी 3 करोड़, डी 4 करोड़। आंसर ए 1 करोड़। एक्सप्लेनेशन,
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार 1 करोड़ युवाओं को अगले 5 साल में टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका देगी। ये इंटर्नशिप 12 महीने की होगी। इसके तहत युवाओं को हर महीने 5,000 रुपये का भत्ता भी दिया जाएगा। कंपनियों को अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत प्रशिक्षण का खर्च और इंटर्नशिप की 10% लागत को वहन करना होगा। इस योजना में कंपनियों की भागीदारी स्वैच्छिक है, यानी कंपनियां अपनी मर्जी से इसमें शामिल हो सकती हैं। इस योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। अगला प्रश्न, बजट 2024 में किस केंद्रीय योजना को सबसे ज्यादा राशि आवंटन की गई? ए आयुष्मान भारत, बी मनरेगा, सी पीएम सूर्योदय, डी पीएम विश्वकर्मा। आंसर बी मनरेगा। एक्सप्लेनेशन, केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट 2024 में देश की गारंटी शुदा मजदूरी रोजगार योजना के लिए 86,000 करोड़ रुपए आवंटित किए, जो 2023-24 की तुलना में 26,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि यह ग्रामीण रोजगार को पर्याप्त राहत देने में विफल रह सकता है, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2023-24 की देनदारी ही 32,000 करोड़ रुपए है। अगला प्रश्न, बजट 2024 में सबसे ज्यादा किस मंत्रालय को राशि आवंटित किया गया? ए रेल मंत्रालय, बी कृषि मंत्रालय, सी रक्षा मंत्रालय, डी स्वास्थ्य मंत्रालय। आंसर सी रक्षा मंत्रालय। एक्सप्लेनेशन, केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा मंत्रालय को करीब 6.22 लाख करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया है, जो अन्य सभी मंत्रालयों की तुलना में सबसे अधिक है। ये कुल बजट आवंटन का 12.9% है। रक्षा बजट का बड़ा हिस्सा जहां वेतन पेंशन पर खर्च होगा, वहीं पूंजीगत खर्च के लिए करीब 1,72,000 करोड़ रुपए का आवंटन निर्धारित हुआ है। अगला प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि क्या है? ए 4.5-5%, बी 5-6%, सी 6.5-7%, डी 7-8%। आंसर सी 6.5-7%। एक्सप्लेनेशन, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 6.5-7% की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था महामारी से तेजी से उभरी है। वित्त वर्ष 24 में इसकी वास्तविक जीडीपी कोविड पूर्व वित्त वर्ष 20 के स्तर से 20% अधिक रही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 22 जुलाई को सर्वे पेश किया। अगला प्रश्न, किस भारतीय खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया? ए सचिन तेंदुलकर, बी साइना नेहवाल, सी PV सिंधु, डी अभिनव बिंद्रा। आंसर डी अभिनव बिंद्रा। एक्सप्लेनेशन, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक आंदोलन में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 22 जुलाई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। 2008 बीजिंग खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा जीतकर बिंद्रा भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बने। NEET UG 2024 परीक्षा के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय लिया? ए परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया, बी पुनः परीक्षण का आदेश दिया गया, सी परीक्षा तिथि स्थगित कर दी गई, डी परीक्षा रद्द कर दी गई। आंसर ए परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया। एक्सप्लेनेशन, सुप्रीम कोर्ट ने NEET UG 2024 परीक्षा रद्द करने या दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है जिससे ये पता चले कि प्रश्न पत्र बहुत बड़े पैमाने पर लीक हुआ हो, जिससे परीक्षा की विश्वसनीयता खत्म हो गई हो। ये निर्णय भारत भर के सरकारी और निजी कॉलेजों में स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया 24 जुलाई 2024 से शुरू करने की अनुमति देता है। अगला प्रश्न, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नई आयकर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए नई स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है? ए 50,000 रुपए, बी 60,000 रुपए, सी 75,000 रुपए, डी 90,000 रुपए। आंसर सी 75,000 रुपए। एक्सप्लेनेशन, नई आयकर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए से बढ़कर 75,000 रुपए हो गई। साथ ही 5% कर दर के लिए कर स्लैब की सीमा को 5 लाख रुपए से बदलकर 7 लाख रुपए कर दिया गया। अगला प्रश्न, हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर कौन बने? ए नारायण कार्तिकेयन, बी कुश मैनी, सी अर्जुन मैनी, डी जेहान दारूवाला। आंसर बी
कुशमैनी एक्सप्लेनेशन। भारत के कुशमैनी ने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में अपनी पहली फॉर्मूला 2 स्प्रिंट रेस जीती, जब शुरुआती विजेता रिचर्ड वर्शूर को तकनीकी उल्लंघन के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया। पोडियम फिनिश के शीर्ष पर पहुंचने के बाद 23 वर्षीय इन्विक्टा रेसिंग ड्राइवर ने अपने सीजन टैली में 10 अंक जोड़े। इस जीत के साथ मैनी ने फॉर्मूला 2 ड्राइवर स्टैंडिंग में मर्सिडीज के जूनियर ड्राइवर किमी एंटोनेली को पीछे छोड़ते हुए 66 अंकों के साथ P8 पर जगह बनाई। अगला प्रश्न, किस देश ने विश्व का पहले कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया? ए जापान, बी जर्मनी, सी फ्रांस, डी चीन। आंसर डी चीन। एक्सप्लेनेशन, चीन ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर ओनली पैसेंजर ट्रेन का अनावरण किया है, जो हाई स्पीड रेल तकनीक में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। कार्बन फाइबर ट्रेन पारंपरिक ट्रेनों की तुलना में काफी हल्की है, जो प्रदूषण को कम करने में योगदान देती है। इसे पारंपरिक स्टील ट्रेनों की तुलना में 7% कम ऊर्जा की खपत करते हुए अधिक ऊर्जा कुशल होने के लिए डिजाइन किया गया है। ये ट्रेन 87 मील 140 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंच सकती है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने निर्माण श्रमिकों के अस्थायी आवास के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है? ए कर्नाटक, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। आंसर बी गुजरात। एक्सप्लेनेशन, गुजरात सरकार ने 18 जुलाई को श्रमिक बसेरा नाम से एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत निर्माण कार्यों से जुड़े मजदूरों के लिए एक अस्थायी घर उपलब्ध कराया जाएगा। श्रमिकों को इसके लिए 5 रुपए प्रति रोज के हिसाब से किराया चुकाना होगा। इसके अलावा उन्हें कम कीमतों पर खाना भी उपलब्ध कराया जाएगा। श्रमिक बसेरा योजना को गुजरात के 4 शहरों अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा और राजकोट में शुरू किया जाना है। राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया है? ए राजीव भवन, बी गणतंत्र मंडप, सी दरबार हॉल, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर डी गणतंत्र मंडप। एक्सप्लेनेशन, राष्ट्रपति भवन में प्रतिष्ठित दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्रमशः गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप कर दिया गया है। गणतंत्र की अवधारणा प्राचीन काल से भारतीय समाज से जुड़ा हुआ है। भारत गणराज्य का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के अशोक का सिंह शिखर है। अगला प्रश्न, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? ए 24 जुलाई, बी 25 जुलाई, सी 26 जुलाई, डी 27 जुलाई। आंसर सी 26 जुलाई। एक्सप्लेनेशन, 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के विरुद्ध विजय हासिल की थी। इस दिन को हर वर्ष कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय पासपोर्ट धारक कितने देशों में वीजा मुक्त प्रवेश कर सकते हैं? ए 50, बी 58, सी 60, डी 62। आंसर डी 62। एक्सप्लेनेशन, फैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 की नई रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय पासपोर्ट की शाख बढ़ी है और अब इस वजह से भारतीयों को इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड सहित दुनिया को 62 देशों में वीजा फ्री एंट्री मिलेगी। ताजा रैंकिंग के अनुसार दुनिया भर के पासपोर्ट्स की लिस्ट में भारत 80वें स्थान पर पहुंच गया है। वहीं अफगानिस्तान के नागरिकों को अब 28 देशों में और पाकिस्तानियों को महज 34 देशों में बिना वीजा के प्रवेश मिलेगी। अगला प्रश्न, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के 55वें और 56वें संस्करण के महोत्सव निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए शेखर कपूर, बी अनुराग कश्यप, सी करण जौहर, डी जोया अख्तर। आंसर ए शेखर कपूर। एक्सप्लेनेशन, प्रख्यात फिल्म निर्माता शेखर कपूर को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI गोवा के 55वें और 56वें संस्करण का महोत्सव निदेशक नियुक्त किया गया है। IFFI का 55वां संस्करण 20 से 28 नवंबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा। इस बात की जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके दी है। अगला प्रश्न, उस सैन्य अभ्यास का क्या नाम है जिसमें भारतीय सेना मंगोलिया में भाग ले रही है? ए रेगिस्तानी तूफान, बी कोबरा गोल, सी खान क्वेस्ट, डी लाल झंडा। आंसर सी खान क्वेस्ट। एक्सप्लेनेशन, भारतीय सेना की टुकड़ी 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 तक मंगोलिया के उलानबतार में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट में भाग ले रही है। यह अभ्यास पहली बार वर्ष 2003 में अमेरिका और मंगोलियाई सशस्त्र बलों के बीच एक द्विपक्षीय कार्यक्रम के रूप में शुरू हुआ था। इसके बाद वर्ष 2006 से यह अभ्यास बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना अभ्यास में परिवर्तित हो गया और वर्तमान वर्ष इसका 21वां संस्करण है।
विश्व की सबसे ऊंची सुरंग शिनकुनला टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी लद्दाख। आंसर डी लद्दाख। एक्सप्लेनेशन 26 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख के कारगिल में पहला विस्फोट कर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग के निर्माण की शुरुआत की थी। शिनकुनला सुरंग 4.1 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें जुड़वा ट्यूबें होंगी और यह निम्यू पदुम दारचा रोड पर लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अगला प्रश्न, पूर्वोत्तर का कौन सा सांस्कृतिक स्थल सांस्कृतिक श्रेणी के तहत यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला पहला स्थान बन गया? ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बी कामाख्या मंदिर, सी मोइडम्स, डी माजुली द्वीप। आंसर सी मोइडम्स। एक्सप्लेनेशन, भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उपलब्धि में असम से मोइडम्स 700 साल पुरानी अहोम राजवंश की माउंट दफन प्रणाली टीलेनुमा संरचना में दफनाने की व्यवस्था को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ये घोषणा आज 26 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के चल रहे 46वें सत्र में की गई। ये यहाँ शामिल होने वाली भारत की 43वीं संपत्ति बन गई है। अगला प्रश्न, सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? ए 20,000, बी 25,000, सी 27,000, डी 30,000। आंसर बी 25,000। एक्सप्लेनेशन, केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में 25,000 प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र PMBJK खोलने का लक्ष्य रखा है। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में बताया कि पिछले महीने जून तक देश भर में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में 547 PMBJ केंद्र खोले गए हैं। इन जन औषधि केंद्रों के जरिए लगभग 1965 जेनेरिक दवाएं और 293 सर्जिकल उत्पाद सस्ती दरों पर बेचे जाते हैं। अगला प्रश्न, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? ए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, बी विशाखापत्तनम बंदरगाह, सी पारादीप बंदरगाह, डी कामराजार बंदरगाह। आंसर ए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। एक्सप्लेनेशन, देश की कृषि निर्यात और आयात क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 284 करोड़ रुपए से अधिक की सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये सुविधा लॉजिस्टिक्स में अकुशलताओं को दूर करेगी, कई तरह के प्रबंधन में सुधार लाएगी और कृषि उत्पादों को सुरक्षित रखने की अवधि बढ़ाएगी। अगला प्रश्न, हाल ही में मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया? ए चिराग पासवान, बी जयंत चौधरी, सी अनुप्रिया पटेल, डी गिरिराज सिंह। आंसर बी जयंत चौधरी। एक्सप्लेनेशन, कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने हाल ही में नई दिल्ली में मॉडल कौशल ऋण योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य देश के भविष्य के लिए तैयार कार्यबल को सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत देश भर के 25,000 युवाओं को शिक्षा और कौशल उन्नयन के अवसर प्रदान किए जाएंगे। निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? ए अंजुम मौदगिल, बी अपूर्वी चंदेला, सी मनु भाकर, डी हीना सिद्धू। आंसर सी मनु भाकर। एक्सप्लेनेशन, झज्जर में जन्मी मनु भाकर ने 28 जुलाई 2024 को पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया, जिससे वह निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गयी। यह मनु भाकर का दूसरा ही ओलंपिक है। उन्होंने पिछले यानी टोक्यो ओलंपिक 2020 में डेब्यू किया था, लेकिन 10 मीटर एयर पिस्टल क्वालिफिकेशन राउंड के दौरान उनकी पिस्टल खराब हो गई थी। अगला प्रश्न, पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों का शुभंकर क्या है? ए द ईगल्स, बी द फ्रीजेस, सी द ज्यूस, डी द ओलंपस। आंसर बी द फ्रीजेस। एक्सप्लेनेशन, 2024 पेरिस ओलंपिक का शुभंकर फ्रीजेस है। इसे पारंपरिक फ्रांसीसी फ्रीजियन टोपी पर डिजाइन किया गया है, जो स्वतंत्रता और फ्रांसीसी गणराज्य के प्रतीकों का प्रतिनिधित्व करता है। यह नीले, सफेद और लाल रंग से रंगा हुआ है, जो फ्रांस के झंडे का प्रतिनिधित्व करता है, और इसके सीने पर सुनहरे पेरिस 2024 का लोगो लगा हुआ है। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में नए एम्स बनाया जाएगा? ए दरभंगा, बी मुजफ्फरपुर, सी समस्तीपुर, डी गया। आंसर ए दरभंगा। एक्सप्लेनेशन, केंद्र सरकार ने बिहार राज्य को एम्स निर्माण के लिए मंजूरी दे दी है। इसका निर्माण दरभंगा जिले के शोभन स्थित बाईपास के पास प्रस्तावित जमीन पर होगा। इस सिलसिले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बिहार सरकार को पत्र लिखकर जल्द से जल्द भूमि को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है।
राज्यसभा सदस्य संजय झा ने ये जानकारी दी है। अगला प्रश्न, पुरावशेषों की अवैध तस्करी को रोकने के लिए भारत और अमेरिका ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? ए पुरावशेष प्रत्यावर्तन समझौता, बी बौद्धिक संपदा समझौता, सी व्यापार सुविधा समझौता, डी सांस्कृतिक संपत्ति समझौता। आंसर डी सांस्कृतिक संपत्ति समझौता। एक्सप्लेनेशन, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारतीय पुरावशेषों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए एक सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर 26 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में चल रहे संयुक्त राष्ट्र सांस्कृतिक और शैक्षिकी संगठनों यूनेस्को की विश्व विरासत समिति के 46वें सत्र के मौके पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता अमेरिकी सीमा शुल्क द्वारा जब्त की गई तस्करी की गई भारतीय कलाकृतियों को वापस लाने में मदद करेगा। अगला प्रश्न, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के 85वें स्थापना दिवस कब मनाया गया? ए 26 जुलाई, बी 27 जुलाई, सी 28 जुलाई, डी 29 जुलाई। आंसर बी 27 जुलाई। एक्सप्लेनेशन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने 27 जुलाई को अपना 85वां स्थापना दिवस मनाया। CRPF की स्थापना 27 जुलाई 1939 में अंग्रेजों द्वारा देश में विशेषकर रियासतों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक विशेष बल के रूप में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में की गई थी। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने 1949 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF अधिनियम पारित किया। भारत के किन प्रतिभागियों ने 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 में स्वर्ण पदक जीते? ए रिदम केडिया और आकाश राज सहाय, बी आकाश राज सहाय और भव्य तिवारी, सी वेद लाहोटी और जयवीर सिंह, डी रिदम केडिया और वेद लाहोटी। आंसर डी रिदम केडिया और वेद लाहोटी। एक्सप्लेनेशन, भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने ईरान के इस्फहान में 21 जुलाई से 29 जुलाई तक आयोजित 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 में 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते। छत्तीसगढ़ के रिदम केडिया और मध्य प्रदेश के वेद लाहोटी ने स्वर्ण पदक जीते, जबकि महाराष्ट्र के आकाश राज सहाय, उत्तर प्रदेश की भव्या तिवारी और राजस्थान के जयवीर सिंह को रजत पदक से सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में 43 देशों के कुल 193 छात्रों ने भाग लिया। अगला प्रश्न, दुनिया के डिजिटल भुगतानों में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा है? ए 35.2%, बी 48.5%, सी 52.1%, डी 60.7%। आंसर बी 48.5%। एक्सप्लेनेशन, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के लगभग आधे डिजिटल भुगतानों के लिए जिम्मेदार है, जो वैश्विक वास्तविक समय भुगतान मात्रा में 48.5% हिस्सेदारी रखता है। भारत वैश्विक प्रेषण में दुनिया में सबसे आगे है और 2023 में उसे 115.3 बिलियन अमरीकी डॉलर प्राप्त हुए। अगला प्रश्न, किस राज्य ने नीति आयोग मॉडल पर आधारित थिंक टैंक JRIT स्थापित करने का निर्णय लिया है? ए उत्तर प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। आंसर सी गुजरात। एक्सप्लेनेशन, गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल ने नीति आयोग के मॉडल पर आधारित थिंक टैंक गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन GRIT की स्थापना की घोषणा की। ये राज्य के लिए एक सार्वजनिक नीति थिंक टैंक के रूप में काम करेगा। पटेल ने विकसित भारत के लिए विकसित गुजरात के लक्ष्य को साकार करने के लिए गुजरात 2047 डायनामिक डॉक्यूमेंट रोडमैप भी पेश किया। अगला प्रश्न, 2024 में महिला एशिया कप का खिताब किसने जीता? ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी भारत, डी श्रीलंका। आंसर डी श्रीलंका। एक्सप्लेनेशन, 28 जुलाई 2024 को श्रीलंका के दाम्बुला के रंगेरी दाम्बुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए 9वें महिला क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका ने भारत को 8 गेंद शेष रहते 8 विकेट से हराया। एशिया कप के इतिहास में श्रीलंका महिला क्रिकेट एशिया कप जीतने वाली तीसरी टीम बन गई है। भारत ने इसे 7 बार और बांग्लादेश ने 1 बार जीता है। अगला प्रश्न, सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में कितने बाघों की मौत हुई है? ए 628, बी 650, सी 983, डी 985। आंसर ए 628। एक्सप्लेनेशन, सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 5 साल में प्राकृतिक और अवैध शिकार सहित अन्य कारणों से कुल 628 बाघों की मौत हुई। भारत में इस अवधि के दौरान बाघों द्वारा हमला किए जाने से कुल 349 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, तो वहीं इनमें अकेले महाराष्ट्र में 200 लोग मारे गए हैं। 2023 में बाघों की मौत की संख्या भी 2012 के बाद से सबसे अधिक है।